विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिला से, जहां नया साल के जश्न मनावे खातिर एक युवक काफी मात्रा में शराब पीलीस, जेके वजह से आदमी के जान चली गई। अपना पंचन का बताए दे कि यह मामला गुड़ थाना क्षेत्र के आए, जहां राम सजीवन कोल नाव के आदमी शराब के नशा में अचेत हो गया, जेका इलाज के खातिर संजय गांधी अस्पताल पहुंचावा गया है, जहां डॉक्टर वही मृत घोषित कर दी। अपना पंचन का बताई दी कि हर त्योहारन में लोग नशा का कई के जश्न मनावा थे, जेके कारण आए दिन खुशी गम में बदल जाती। हमारा दीपक कोल कहाँ से आया? गुड़ से। कौन खत्म? ये मेरा कक्का लगता है। क्या नाम उनका? उनका नाम राम सजीवन कोल। कैसे खत्म? शराब पिया था बाहर, ठंडी में पड़ा था, खत्म हो गया। आपको कब पता चला? हमको सुबह पता चला है, जब ढूंढ रहे। कहाँ मिले थे? ये मिला बाल ज्योति स्कूल के बगल में पड़ा मिला था। कितने साल की उम्र? वो 59 साल। घर कहाँ? घर गुड़। बाट क्रमांक 8। रीवा जिला का 2022 में कई एक उपलब्धि मिली है। इस साल के अंतिम कार्य दिवस में जिला का बड़ी उपलब्धि हासिल भई। बताई दे के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल रीवा का 95% अंकन के साथ गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त भा है। यह प्रमाण पत्र भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के NQAS प्रोग्राम के तहत प्राप्त भा है। रीवा के अलावा प्रदेश में दुई जिला में अस्पतालन का गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। एमा जिला अस्पताल नरसिंहपुर का 92% अंक के और जिला अस्पताल दमोह का 90% अंक के साथ गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त भा है। रीवा जिला अस्पताल केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक पर कीन गे मूल्यांकन में प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ जिला अस्पताल बना है। इस तरह से रीवा जिला सफलता के नया शिखर चुने हैं। आइए अपना पंचे सुनी कलेक्टर मनोज पुष्प का जानकारी दे थे। तो वो चैनल के पूरे गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी सफलता पूर्वक उस समय किया। NQBS सर्टिफिकेशन हेल्थ की सर्विसेज के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, डिफरेंट क्लिनिकल फैसिलिटीज हैं, जो क्वालिटी है हमारे बेड्स के, OT के, और जो हमारा स्टाफ है उसका क्वालिटी कॉन्शसनेस कितना है, इन सभी पैरामीटर्स को लेके ये नेशनल लेवल एक्रेडिशन का एक मेथड है, जिससे कि हम ये देखते हैं कि हमारा अस्पताल बेहतर सुविधाएं देने के लिए कितना तैयार है और हमारे जो अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कितना इसके लिए कॉन्शस है। अच्छी बात है कि जिला अस्पताल रीवा ने इसको प्राप्त किया है और बड़े अच्छे मार्क्स के साथ प्राप्त किया है। अभी जो 3 जिले के डिफरेंट अस्पताल विभिन्न जिलों के हुए हैं, उसमें रीवा जिला अस्पताल 95% मार्क्स ला के सबसे अच्छे नंबर के साथ इसको उसने सर्टिफिकेट को प्राप्त किया है। तो लगातार डॉक्टर्स और हमारे स्टाफ इसमें काम कर रहे थे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इसमें भी लगातार काम हो रहा था। पिछले 2 सालों से हम लोगों ने इसके लिए प्रयास किया था। पिछले बार हम लोग इससे चूक गए थे कुछ सुविधाओं की कमी के कारण, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमको ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। अब हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करें, क्योंकि जितने भी सर्टिफिकेशन होते हैं या जितने भी सुविधाएँ होती हैं, उसका उद्देश्य यही है कि हम कितना बेहतर अपने ग्रामीण अंचल से आने वाले लोगों को इसकी सुविधाएं प्रदान कर सके। आज भी हम लोग जिला अस्पताल की इस उपलब्धि पर जो लोग इसमें शामिल थे उनको बधाई देने भी आए हैं, और किलकारी अभियान के अंतर्गत मातृ शिशु स्वास्थ्य की समीक्षा भी कर रहे हैं कि हम लोग उसमें कहाँ कहाँ पिछड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है? अच्छी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि रीवा में संजय गांधी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कारण जिला अस्पताल को भी साथ में उतना ही बेहतर बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बड़े बट वृक्षों के आसपास छोटे छोटे पौधों को पनपना थोड़ा मुश्किल होता है। हम विशेष तौर से सिविल सर्जन को और CMHO साहब को बधाई देंगे कि इन्होंने उस मापदंड पे अपने खड़े उतारा है और लगातार जिला अस्पताल बेहतर काम कर सके इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। अभी आपको पता है 100 बेड और इसमें इंक्रीज होने वाले हैं, नया यूनिट भी एक आगे डेवलप होने वाला है, तो हम लोग जिला अस्पताल को भी उसी स्टैंडर्ड का बनाना चाहते हैं, ताकि हमारे पास 3 बड़े एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाए। सुपर स्पेशलिटी और संजय गांधी के अलावा जिला अस्पताल भी बेहतर सुविधाएँ
ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक रेफरल पॉइंट बन गए। अनूपपुर जिला के कोतमा विधायक सुनील सराफ एक बेफेर चर्चा में है। बताई दी कि नया साल के जश्न माँ मैं हूँ डॉन गाना में स्टेज में चढ़ के फायर करे के वीडियो वायरल भा है। वीडियो का गंभीरता से लेके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अनूपपुर SP का जांच के निर्देश दी नहीं। साथ में गृह मंत्री कहीं के सार्वजनिक भीड़ भाड़ वाले जगह में एमेर के फायर करब गलत है। अपना पंचन का बताए दी कि कोतमा विधायक सर्राफ ट्रेन में एक ठे औरत के साथ छेड़छाड़ के मामलों में आरोपी बनाए गए हैं, जहां एक बेफेर फायर करे के कारण विवाद में घिरे हैं। सुनील सर्राफ का वीडियो वायरल, फायरिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं 9 वर्ष पर। मैंने भी देखा है वो वीडियो, इस तरह से फायरिंग करना, लहराना, डांस करते में कोई अनहोनी नहीं हो, ये गलत है। मैंने कार्रवाई के निर्देश अनूपपुर SP को दिए। खबर रीवा से है, जहां बिजली विभाग के बड़ी लापरवाही सौहे आई है। बताए दे कि रिहायशी इलाकन में घुसी बड़ी गाड़ी बिजली के खंभा का टक्कर मार दी, जिसके कारण बिजली के खंभा बीच सड़क में टूट के गिर गया है। अगल बगल के लोगन के द्वारा विभाग का सूचना दी गई, लेकिन विभाग का कौनो अधिकारी नहीं पहुंचा और न ही खंभन का हटावा गया। और एक अलावा बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू करे के खातिर कौनो प्रयास नहीं किनगा। अपना पंचन का बताए दी कि यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के घोघर मोहल्ला के पचमठा के लखे के बताई जात लागी, जहां बीच सड़क में बिजली के तार सहित खंभा पड़ा है। कब गिरा है भैया ये? कब गिरा है आंटी ये खंभा? खंभा कब गिरा है? अरे कल रात के बेटा। कैसे मतलब अचानक? ट्रक वाला गिरा था। ट्रक वाला गिरा गया? ट्रक वाला, हाँ। अब भाग गया वो? हाँ, ट्रक वाला, हाँ, भाग गया वो। तीन चार से चला गया है। तो क्या करंट वरंट तो नहीं फैला यहाँ? नहीं नहीं, करंट वरंट कोई बात नहीं। खबर रीवा से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के फोर्ड रोड सिंधी चौराहा और सराफा बाजार में उस समय अफरा तफरी के माहौल होगा, जब टेलर के दुकान से आगे के लपट उठा दिखान। यह घटना के पता लगते आसपास के लोग पुलिस का सूचना दीन, तब मौका में पहुंची पुलिस फायर ब्रिगेड के मदद से आगे पर काबू पाई। यह घटना रात के 11 बजे के बताई जाती। बताई दी कि यह आगजनी के घटना में आसपास के दुकान प्रभावित भई हैं। जौने दुकान में आगे लगी ही वह दुकान आशीष नामदेव के बताई जाती। आई सुनीत हैं, मौका में पहुंचे सराफा मंडल अध्यक्ष का जानकारी दी है। मनोज यादव बुलाओ, वहां गया हाथ ना लगाए पानी में, पानी में हाथ ना लगाए। आशीष नामदेव, क्या घटना हुई है? सर मैं दुकान बंद करके 2 दिन से बाहर रहा हूँ, तो इधर आके देखा मैं आगे लग गई है दुकान पे, सिलाई की। अभी ये नहीं मालूम सर, ये कितने नुकसान लगभग क्या कैसे? 2-3 लाख का सामान रखा रहा सर। कितने बजे घटना है? ये अभी रात की घटना है। कहाँ पे दुकान है? गुढ़ाई पे, सिंधी चौराहे पे। आग में कैसे काबू पाया गया? अब आग में सर हम लोग आए, दुकान शटर खोले, उसके बाद फिर आग से बाहर सामान निकाला गया। सूचना किसने आपको दिया? सूचना सब मोहल्लों वालों ने दी है। आपने पुलिस को फोन किया कैसे? सर बस मैंने फोन लगाया, मैं आ गया इधर। घटना है क्या? ये अभी 11:30-12 के बीच की घटना है जी। ग्राहकों का कपड़ा था, मशीन था, पैसा था, 2 लाख तक सर नुकसान हुआ है। आशीष नामदेव। घर हमारा सर पाड़न टोला पे है। अगल बगल कोई दुकान? अगल बगल फिर दुकान सिलाई की ही है, उनका भी नुकसान हुआ सर। 2-3 दुकान लग लगे। हाँ।
जीडीसी कॉलेज के बीटीए नए छात्रावास में जाए से मना कर दी। बीटीए कमिश्नर कार्यालय पहुंच के कमिश्नर अनिल सुचारी से मांग की नहीं के उनका जीडीसी के अंदर छात्रावास के नई बिल्डिंग में रखे के निर्देश दीन जाए। बेटी बताएं कि कई साल से शासकीय नवीन अनुसूचित जाति महाविद्यालय कन्या छात्रावास रीवा में रही है। बेटियन का अब नई बिल्डिंग धोबिया टंकी के पास स्थानांतरण किया जा रहा, जेखर जीडीसी महाविद्यालय से काफी दूरी है। आई सुनीत हैं छात्रा का कहती हैं। आरती साकेत, सर हमारी समस्या ये है कि हम लोग को जहाँ हॉस्टल दिया जा रहा है धोबिया टंकी के पास, वहाँ का वातावरण माहौल बिल्कुल सही नहीं है, जिससे हम लोग सेफ जान सम्मान किसी चीज़ से हम लोग सेफ नहीं रह सकते हैं। और दूसरी बात, हम लोग के लिए स्कूल कॉलेज कोचिंग बहुत दूर है, जिसके कारण हम लोग को समस्या होगी आने जाने में। और हम लोग इस घर इस ऐसी स्थिति से नहीं हूँ कि किराया लगा के डेली 100 रुपये 20 रुपये किराया लगा के हम लोग अपना पढ़ाई शिक्षा आगे ग्रहण कर पाएंगे। पहले यहीं जीडीसी कैंपस के अंदर ही जीडीसी हॉस्टल में ही रहते थे, जिसके कारण वहाँ हम लोग को भेजा जा रहा है धोबिया टंकी के पास। वहाँ हम लोग को ना चाहते हो, जीडीसी कैंपस के अंदर की दो बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई है, तो हमको वो बिल्डिंग प्रदान की जाए। और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो वहीं की मरम्मत करके हम लोग किसी तरह एक डेढ़ महीना एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हम यस सर लेकिन वहीं पे हम लोग को बिल्डिंग, क्योंकि हम लोग जीडीसी टीआरएस मॉडल साइंस पेंटियम पॉइंट और यूनिक कॉलेज और श्याम आदर्श लॉ कॉलेज, कई सारी लड़कियां, मतलब हर कॉलेज की लड़कियां यहां पे रह रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, यूजी पीजी और कई सारी डिग्रियां ले रही हैं, तैयारी भी कर रही हैं। सर कलेक्टर सर हम लोग से मुलाकात नहीं किए हैं, डिप्टी कलेक्टर सर किए हैं संजीव पांडे सर, जिससे हम लोग को ये बोला गया था कि 3 दिन के बाद हम लोग आएंगे, वहाँ देख रेख करेंगे और तुम लोग की समस्याओं को समाधान करेंगे। लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आया, ना कोई समाधान हम लोग का किया गया। आज 4th दिन है, जिसके कारण हम लोग कमिश्नर सर के ऑफिस में आए हैं, जो यहाँ से कमिश्नर सर से मिलना चाह रहे हैं, यही हम लोग की गुजारिश है। और हम लोग का बेड वगैरह भी ले जाया गया, पहले ही 29 तारीख को ले जाया गया, जिसके कारण हम लोग 30 तारीख को कलेक्टर सर का ऑफिस का घेराव किए थे। और अब वहाँ नहीं सुनवाई हो, नहीं अभी नहीं मिला, हम लोग ज्ञापन दिया गया लेकिन मतलब सर के माध्यम से दिया गया है। ये हमारी जीडीसी कॉलेज की हमारी ये बहनें हैं, एसटीएस की बहनें हैं, इनका छात्रावास जीडीसी में बहुत वर्षों से अथावित था। कुछ दिनों बाद इनका छात्रावास दूसरी जगह धोबिया टंकी के पास स्थानांतरित कर दिया गया है, और दबाव बनाया गया लगातार इनके ऊपर कि आप सब इसे खाली करें। इनका खासतौर बेड खटिया बिस्तर सब बांधा हुआ है, और ये सब बिटिया हमारी बहनें जो हैं कल से बेघर, आप मानिए कि बेघर है। ये कल या परसों कलेक्टर महोदय जी के पास गई थी ज्ञापन देने के लिए, उनके द्वारा आश्वासन मिला था जब तक कुछ ऐसा नहीं होता तो आप लोग यथावत वहाँ रह सकती है। बगल में एक छात्रावास खाली है, और छात्रावास जो बन रहा है उसका रिपेयरिंग एक्चुअली हो रहा है। ये वहाँ तक तैयार है कि हम लोग यहाँ पर 1-2 महीने जो लगेगा, हम सब बहनें जो हैं, इनकी बहनें हैं, जो हमारी बहनें हैं, ये वहाँ पर अपना व्यवस्थित ढंग से किसी तरह से 1-2 महीने पढ़ने आई हैं, ये अपना ये किसी से व्यवस्था बना लेंगे। लेकिन इनके ऊपर आप ये मानिए कि वहाँ के जो वहाँ का छात्रावास का जिम्मेदार अधिकारी शासन प्रशासन है, वहाँ पे इनके ऊपर दबाव डाला कि नहीं आप लोग सब वहाँ बिछिया जाइए, वहाँ का माहौल इतना ख़राब है महोदय कि ये हमारी बहनें बता सकती हैं। सर अभी ये घूम रहे हैं, जुआड़ी घूम रहे हैं, वहाँ ये बच्चियाँ कहाँ कैसे रह पाई हैं, पता नहीं खिड़की लगी है कि नहीं लगी है, ठंड में कहाँ जाएंगी, आप देख रहे हैं किस तरह ठंडी पड़ रही है। तो ये यहाँ पे अभी 110 रहती हैं छात्राएं, ये वहाँ पे अभी 75-76 छात्राएं हैं, कुछ अभी नहीं आई हैं, और ये सब एक ही मांग कर रही हैं कि हमें वहीं पे यथावत रखा जाए, वहाँ पर खुश हैं, वहाँ पे ये पढ़ रही हैं। और ये कोचिंग कॉलेज सब इतना नज़दीक है, वहाँ पे जब आप देखिए 25-30 रुपये लगता है ऑटो का, आना पड़ता है इन्हें कहाँ पे से मार्केट पे आना पड़ता है। हाँ अब ये कहाँ से, सब ये मध्यम परिवार की बिटियाँ हैं, कहाँ पे ये आप बताइए कि ये डेली कर सकेंगी किसी तरह से। अब कमिश्नर साहब तो मिल नहीं पाए हैं, अभी अधिकारी महोदय ने ज्ञापन लिया है, और हम लोग अभी अड़े हुए हैं मिलने के लिए, और आवश्यकता पड़ी तो अभी कलेक्टर महोदय जी के पास हम लोग जा रहे हैं। ये जीडीसी कॉलेज की छात्रा है, और ये बहुत हाँ ये बिटियाँ हैं। अपन 203 मागन कलई के स्वास्थ्य कर्मी लंबे समय से हड़ताल में चल रहे हैं। सोमवार का स्वास्थ्य कर्मी रैली निकाली और अपन 203 मागन का लेके ज्ञापन सौंपी। अपना का बताए दी कि स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण और निकाले गए कर्मचारी का वापस रखे के मांग का लेके पूरे प्रदेश में हड़ताल पर है। अभी करो, अर्जेंट करो, मामा जी को होश मिलाओ, मामा जी को होश मिलाओ,
हम लोग तकरीबन 15 दिसंबर से अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना स्थल पे हैं। हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमें तत्काल नियमित किया जाए। दरअसल क्या है कि हम लोग 15 से 20 साल हो गए हैं स्वास्थ्य विभाग में संविदा के रूप में काम करते हुए। हमारे प्रदेश में संविदा के 32,000 स्वास्थ्यकर्मी हैं। उनका ये कहना है कि जैसे शिक्षा विभाग में जैसे पंचायत सचिवों को, जैसे जन अभियान परिषद के कर्मचारियों को नियमित किया गया था, जो नीति लागू की गई थी उसी नीति के आधार पर हम लोगों को भी लागू किया जाए। और 5 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के आधार पर एक नियम बनाया था, वो नीति भी आज तक हमारे विभाग में लागू नहीं की गई है। हम इस मांग को लेकर आए हैं कि तत्काल वह नीति अविलंब 5 जून 2018 है उसको भी लागू किया जाए और हमको तत्काल नियमित किया जाए। आज खातिर इतना ही। बघेरी में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।